आज दुआ फाउंडेशन की जानिब से जो मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ है, इसमें दुआ फाउंडेशन की जानिब से सैयद इम्तियाज जलील साहब की ही जानिब से ये सब हो रहा है। आज सबसे दुख की बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टर है, ना दवाएं हैं, ना इंसानों को इंसानों से सुलूक किया जाता है। ये कैंप तो यकीनन अच्छी बात है, जिन्होंने मुनाक़िद किया वो काबिल सताइश है। हम एक सियासी पार्टी होने की हैसियत से इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे दवाखानों में सहूलियात मिले, दवाएं मिले, उनके इन्वेस्टिगेशंस हो और उनको इंसानियत से बर्ताव किया जाए। मगर हुकूमती मशीनरी दूसरे कामों में जुटे वाली है, अधिकारी जेब भर गए और जो सत्ता में बैठे वाले वो अपना घर भर गए। ये जो कैंप है ये दुआ फाउंडेशन की तरफ से रखा गया है और हम लोग जो डॉक्टर्स हैं ये औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से आए हैं। यहाँ पे पेडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं खुद जो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, जनरल फिजिशियन है। तो सुबह से अभी तक, सुबह 9 बजे से ये कैंप चालू हुआ था, सुबह से अभी तक तकरीबन 1.5 से 2 हज़ार लोगों को ब्लड टेस्ट हुए हैं, उनके कंसल्टिंग हुआ है, उनको मेडिसिन्स वगैरह, दवाई वगैरह सब फ्री में मिला। सर, जो दुआ फाउंडेशन की तरफ से आज सिकंदर हॉल में जो एक कैंप रखा गया है, अक्सर ही देखने को मिलता है कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, एमआईएम की तरफ से बड़े बड़े कैंप देखने को मिलते हैं। इस बार इस हॉल के अंदर जो कैंप ले रहे हैं, अब इससे पहले दूसरी जगह एक ईसा भाई साहब की तरफ से रखा गया, एमआईएम की तरफ से और भी कई जगह ऐसे रखने वाले हैं कैंप आगे वाले वक्त में। जैसे लोगों को जो फ़ायदा हो रहा है सर, दवाखाने को बड़े जो हॉस्पिटल्स है उसका हमने देख रहा है कि फीस ज़्यादा होने की वजह से लोग वहाँ पर जा नहीं पाते हैं, तो आपके पास आने वाले वक्त में ऐसे कुछ टेस्ट होंगे या तुरंत उसका ब्लड? बेसिकली कंसेप्ट ये है, सेहत के खिदमत, तालीम की सहूलत, साफ पीने का पानी, रास्ते, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, ये सब कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। आज सबसे दुख की बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टर है, ना दवाएं हैं, ना इंसानों को इंसानों से सुलूक किया जाता है। ये कैंप तो यकीनन अच्छी बात है, जिन्होंने मुनाक़िद किया वो काबिल सताइश है। मगर सच बात तो ये है कि ये जो स्टेट की जिम्मेदारी है, ये जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, ये पूरी तरह से अदा नहीं हो रही। हम एक सियासी पार्टी होने की हैसियत से इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे दवाखानों में सहूलियात मिले, दवाएं मिले, उनके इन्वेस्टिगेशंस हो और उनको इंसानियत से बर्ताव किया जाए। हमारे तालीमी मदरसे अच्छे होना चाहिए। आज राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात होती, साफ पीने के पानी की बात होती, मगर हुकूमती मशीनरी दूसरे कामों में जुटे वाली है, अधिकारी जेब भर गए और जो सत्ता में बैठे वाले वो अपना घर भर गए। बढ़ा ये सिस्टम में जनता को भी जागरूक होना चाहिए। सेहत का मामला बहुत ही बीमार मामला हो चुका है। बढ़ा आपकी बात सही है, ये कैंप से फ़ायदा हुआ, कई हज़ार साथी लोगों ने इस्तेफादा किया। आइंदा भी इस शहर में, इस ज़िले में हम कैंप मुनाक़िद करते रहेंगे। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी बात को नोट किया और तशरीह भी करते हैं। सावन फाउंडेशन की तरफ से जो आज एक कैंप रखा गया है, इसमें कितने लोगों ने अभी तक इस्तेमाल किया? अस्सलाम वालेकुम। आज दुआ फाउंडेशन की जानिब से जो मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ है, इसमें अभी तक के 2000 से ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह से आगे ये कैंप 3 बजे तक चलता रहेगा। और आगे जैसा सिकंदर हॉल में और हो गया, अभी आप लोग भी आगे रखें? आगे का हमारा प्लान है कि जो जो स्लम एरिया है, नारे गांव, मिस्रवाड़ी, सईदा कॉलोनी, इंशाल्लाह यहाँ करने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि हरसूल, कुल्तनवाड़ी, छोटे छोटे जो स्लम एरिया है वहाँ पर हम इंशाल्लाह रखने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मेडिकल के ताल्लुक से। जैसे कि और भी डॉक्टर्स यहाँ देखने मिले घाटी हॉस्पिटल में, दूसरी भी जगह, सबसे आप लोगों ने कांटेक्ट किया था पहले ही कि भाई से क्या? माशाल्लाह से ये तकरीबन 10 दिन से इसकी तैयारियां चालू थे। इसमें घाटी के भी डॉक्टर्स थे, सिविल हॉस्पिटल्स के थे, कॉरपोरेशन के थे, जिसमें पेडियाट्रिक, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, ऑप्थम और जनरल और एमडी मेडिसिन, तकरीबन माशाल्लाह से बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पर खिदमत अंजाम दिए।
आगे और कितने दिनों के बाद आपका इंशाल्लाह और 8 दिनों के बाद एक हम नारेगो में इंशाल्लाह कैंप रखने वाले है इंशाल्लाह वहाँ पर दुआ फाउंडेशन की जानिब से सैयद इम्तियाज जलील साहब की ही जानिब से ये सब हो रहा है। ठीक है, कैंप कितने लोगों ने आपके पास से मतलब इसके बाद हासिल किया और इसके अलावा कौन कौन डॉक्टर्स हॉस्पिटल से डॉक्टर यहाँ पर आया, कितने लोगों को टारगेट किया? पहले तो मैं बताऊंगी कि ये जो कैंप है ये दुआ फाउंडेशन की तरफ से रखा गया है और हम लोग जो डॉक्टर्स हैं ये औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से आए हैं। यहाँ पे पेडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं खुद जो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट है, जनरल फिजिशियन है। तो सुबह से अभी तक, सुबह 9 बजे से ये कैंप चालू हुआ था, सुबह से अभी तक तकरीबन 1.5 से 2 हज़ार लोगों को ब्लड टेस्ट हुए हैं, उनका कंसल्टिंग हुआ है, उनको मेडिसिन वगैरह दवाई वगैरह सब फ्री में मिली। उसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे देखा जाता है कि यहाँ पर आने के बाद टैबलेट वगैरह दिए लेकिन ज़्यादा इश्यूज बड़ा अगर रहा तो आपसे अगर कॉन्टेक्ट करना है किसी डॉक्टर से तो कौन सा हॉस्पिटल में आप चलाएंगे? देखिए मैं जो हूँ फैसल कॉलोनी हेल्थ सेंटर से हूँ मैं, आप वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास 24 आवर्स इनडोर सर्विस है, डिलीवरीज वगैरह होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, चेकअप होते हैं, जो आयरन सुक्रोज वगैरह जिसका एनीमिया वगैरह होता है तो उसके लिए भी इलाज होता है। और ये मैडम जो है शैलेजा टाठे मैडम, शी इज़ पेडियाट्रिशियन, शी इज़ एट बैजूपुरा हेल्थ सेंटर सेंट्रल नाके पे जो है, तो पीट्स का अगर आपको चाहिए तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा लोग सेहत रहे, उसके लिए क्या ज़्यादा करना चाहिए? उसके लिए देखिए अभी हमारे पास जो है अभी फ़िलहाल में ये वाला जो हफ्ता है इंटरनेशनल न्यूट्रिशन डे बोल के हमने उसको रखा है, तो गिज़ा अच्छी होनी चाहिए लोगों की, अगर गिज़ा अच्छी रही तो कम से कम बीमार पड़ेगा।